दोस्तों आज एक बहुत ही खतरनाक फ्रॉड होते होते बचा मेरे साथ में, और शायद आप भी उस फ्रॉड का कभी कभी शिकार हुए होंगे। मैं दावा दे सकता हूं, मुझे इतने सारे कॉल आ चुके हैं, इतने सालों में मैंने इतने सारे लोगों के दुखड़े सुने हैं इस फ्रॉड के चलते हुए, और ये फ्रॉड आज मेरे साथ होते होते बचा है। और मेरे साथ पहले भी ऐसा कुछ होने की कोशिश हुई है, बट क्योंकि मैं स्मार्ट एक्टिव करता हूं, मैं हमेशा सोच लेता हूं कि सामने वाला कैसे काम कर रहा है, और मैं हमेशा से हाइपर एक्टिव रहता हूं इस काम को लेके, क्योंकि मैं तैयार हूं कि हाँ इस बाजार में फ्रॉड भी हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए कि एक आपके साथ स्कैमर किस तरह से गेम प्लान करते हैं, कितनी देर आपके साथ बात कर सकते हैं, कितनी देर आपके साथ एंगेजमेंट कर सकते हैं ताकि आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएं, कभी आप उनके किसी मीठी बातों में आ जाएं और कहीं आप उनको पैसा दे बैठे या अपना पोर्टफोलियो उनका हैंडल करा बैठे। और ऐसा ही कुछ आदमी साथ हुआ एंजल वन की तरफ से आए हुए एक फ्रॉड का। दोस्तों थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा कि एंजल वन की तरफ से फ्रॉड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंजल वन एक बेहद ही शानदार कंपनी है, देश के दिग्गज कंपनियों में से एक है। बिल्कुल भी मैं एंजल वन के अगेंस्ट इस वीडियो को नहीं बना रहा, बट हां यहां जब मुझे कॉल आया तो उन्होंने यही कहा कि एंजल वन से बोल रहे हैं, एंजल उनके रिसर्च डिपार्टमेंट से बात करें, मतलब ये फ्रॉडी जो लोग हैं बड़े बड़े नामों का इस्तेमाल करने से भी नहीं बाज आते हैं। दोस्तों अगर आप एंजल वन में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, खोल सकते हैं, बेस्ट कंपनी है, कोई इशू नहीं है। मैं उनका एफिलिएट मार्केटर भी हूं और मैं एंजल ब्रोकिंग में काम भी कर चुका हूं एक टाइम पे, एंजल ब्रोकिंग को बड़े अच्छे से जानता हूं। तो एंजल ब्रोकिंग दिग्गज कंपनीज में से आती है, तो पर मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने और देखें कि आपके साथ ऐसा कोई कॉल आया है क्या, क्या आपके साथ ऐसा फ्रॉड प्लान हुआ है, अगर हुआ है तो सतर्क हो जाइए, और मेरी तरह अगर आप दो सवाल उनसे कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा और मजा आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक स्माइली जरूर दे दीजिएगा ताकि मुझे यह पता लगे कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आई हैं, और आपके साथ भी अगर ऐसा कभी भी हुआ है तो उसका भी जिक्र कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और अगर हो सकेगा तो उसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाएंगे। चलिए वीडियो को पूरा सुनते हैं, ये सुनने की वीडियो गाइस, देखने की नहीं सुनने की। तो प्लीज अब आपके सामने कुछ वीडियो क्लिप्स प्ले कर रहा हूं, उनको ध्यान से सुनिए। हेलो हाँ सर जी, गुड आफ्टरनून सर, एंजल वन से बात कर रहे हो? हाँ जी सर, आपको ट्रेडिंग के प्रोसेस से कॉल किया गया था, ट्रेडिंग कर रहे हैं आप शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में? हाँ जी, अभी आप ही की एग्जीक्यूटिव ने फोन किया था क्या? जी जी मैंने ही कॉल किया था आपके लिए। सॉरी, हाँ हाँ करते हैं मैम, करते हैं जी। अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किस सेगमेंट में अभी बैठ कर रहे हैं जान सकते हैं सर? इक्विटी या कमोडिटी? फ्यूचर ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन में कर रहे हैं? ओके, फ्यूचर में एंड ऑप्शन में भी करते हैं, तो फिर आपका ऑप्शन में क्या कैसा अभी बेस्ट चल रहा है, प्रॉफिट में या लॉस में है? प्रॉफिट में मैडम। प्रॉफिट में कितना इन्वेस्टमेंट रखे हुए हैं अभी, कितने क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट निकाल लेते हैं आप? 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है। 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है? 50 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप डेली का क्या कैसा प्रॉफिट निकालते हैं सर? डेली आते हैं कभी 2 लाख आते हैं, कभी 10 लाख आ जाते हैं, कभी 1 लाख आता है, कभी 50,000 आते हैं। ओके, मार्केट के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जैसा मार्केट का मोमेंट रहता है वैसे प्रॉफिट निकल आता है, राइट? मैम आप क्या करते हो एंजल वन में? मैं एंजल वन में यहाँ से आपको कॉल प्रोवाइड करती हूँ एंड आपको मार्केटिंग वगैरह सिखाती हूँ, क्या कैसा मार्केट का स्टेटस होता है, क्या मोमेंट होता है, एंड आप प्रीमियम वगैरह मार्केट पे रिसर्च करके यहाँ से आपको अपडेट करती हूँ। अच्छा मैडम, मेरे को सीखना है, प्लीज बताइए ना कैसे काम करना चाहिए। जैसे कि आप जैसे कि आपको सीखना चाहते हैं, मार्केटिंग प्रीमियम वगैरह चेक करना चाहते हैं, मार्केट में एनालिस करना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर मेरे साथ आप एंटर होके बात कर सकते हैं सर, है ना? जैसे कि प्रॉपर हो कि मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर सकते हैं सर। अच्छा, क्या करना होगा उसके लिए सर? यहाँ से मैं आपको बताऊँ, आपका 10,000 का होता है रजिस्ट्रेशन सर मेरे साथ वर्क स्टार्ट करने का। आपके लिए जी जी 30% से आपको पहले एंटर होना पड़ता है, 7,000 आप होल्ड करके रखेंगे, जैसे कि आपका प्रॉफिट निकलेगा आपका चेकअप लुक होगा, उसके बाद आपको रिमेनिंग वन फिट करनी है। ठीक है, और ये 10,000 से काम हो जाएगा? जी 10,000 आपका 1 ईयर का रहेगा सर, 1 साल का 10,000। ये फीस है, आपकी फीस है? ये मेरी फीस है सर, जैसे कि रिसर्च यहाँ से कॉल प्रोवाइड करते हैं एंड मैं मार्केटिंग सिखाती हूँ आपके लिए, है ना, उससे आपको प्रॉफिट निकल रहा है, मार्केट के अकॉर्डिंग ही वर्क करवाते हो। वैसे कि आप 22 दिन के मार्केट में सर कितने दिन वर्क करते हैं, 22 दिन के मार्केट में जा सकते हो? पूरे 22 दिन मैडम, अपने को यही आता है, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। सॉरी, मेरे को इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, मैं पूरे 22 दिन काम करता हूँ मैडम। ओके, वैसे कि 22 दिन के मार्केट में मैं यहाँ से आपको 15 से 16 दिन वर्क करवाती हूँ, जैसे कि मार्केट बेटर रहता है तो मैं आपको जब भी वर्क करवाती हूँ, एंड मार्केट वॉलेटाइल होता है, रिस्की होता है, कोई मोमेंट ही नहीं होता है। अभी 2 दिन के उसमें
मोमेंट ही नहीं था मार्केट में, प्रीमियम गिर रही थी एंड मार्केट वॉलेटाइल था, कोई उसमें मूवमेंट ही वगैरह नहीं मिला। ऑनली जैसे आपने कहा कि वॉलेटाइल था और मूवमेंट नहीं था, ये तो दो अलग बातें हैं। वॉलेटाइल और मूवमेंट तो नहीं है ना। देखिए मैं आपको बताऊँ, वॉलेटाइल मूवमेंट होता है तो वॉलेटाइल मूवमेंट पे आराम से 10 या 20 पॉइंट का मूवमेंट होता है, है ना। 10 या 20 पॉइंट के लिए आप वर्क कर रहे हैं तो आराम से आप वर्क कर सकते हैं वॉलेटाइल मार्केट में। तो बहुत बढ़िया काम किया मैंने, मैंने एक कॉल लिया था 60 रुपए पे, उसको मैंने 140 में बेचा, बिल्कुल सही हो गया मेरा। सॉरी, कल मैंने एक कॉल लिया था उसको मैंने 60 रुपए में लिया था और उसको 140 रुपए में बेचा मैंने, तो मूवमेंट तो बहुत अच्छी थी। आपने शायद मूवमेंट देखी नहीं शायद, मुझे लग रहा है कल आपने। मैं आज की मूवमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, आज का मूवमेंट भी बेटर था एंड कल का मार्केट भी बेटर था, है ना। कल के मार्केट में आप फोटो ऑप्शन में मूवमेंट ले रही, मॉर्निंग टाइम में मैं आपको बता रही हूँ, मॉर्निंग टाइम में आराम से 50 पॉइंट का मूवमेंट मिला था फोटो ऑप्शन में। कल के मार्केट में बात कर रही हूँ, थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन की बता रहे ना, कल 26 तारीख को जो एक्सपायरी हुआ उसका बता रहे हैं ना। सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप? कल का मार्केट मतलब जो कल 26 तारीख को एक्सपायरी हुआ था उसका बात कर रहे हैं ना? हाँ, उसका ही बात कर रही हूँ, 26 तारीख की मार्केट का एक्सपायरी। जी मैडम, 50 पॉइंट गिरा पुट में। हाँ, गिरा हुआ था तो आराम से 50 पॉइंट का मूवमेंट गया था एंड उसके बाद जैसे कि 1 बजे हुए थे, 1 बजे के बाद मूवमेंट हुआ था, 1 बजे के मूवमेंट किस ऑप्शन में हुआ था, कॉल ऑप्शन में मूवमेंट हुआ। कौन से कॉल में हुआ था मैडम? कॉल ऑप्शन में सर, सी में। कौन सी कॉल में, कौन सा स्ट्राइक प्राइस थी कॉल थी? तो कौन सी प्राइस थी? हाँ, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में कॉल लिया था? 3400 का है ना, मैंने यहाँ से फोटो ऑप्शन दिया था एंड उसके बाद 3600 का मैंने कॉल ऑप्शन दिया गया था, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं आराम से। 150 पॉइंट का मूवमेंट किया था कल मार्केट कॉल ऑप्शन में। अच्छा मैडम, बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। एंड आज की मार्केट में कॉल ऑप्शन के मोमेंट में मैंने 50 पॉइंट का मोमेंट दिया था, 70 पॉइंट का आज का मोमेंट हुआ है सर। 70 पॉइंट कौन सा, बैंक निफ्टी का? निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सर। अच्छा, मैं तो निफ्टी करता हूँ मैडम। आप निफ्टी में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं निफ्टी में आपको अवेलेबल कर दूंगी। बैंक निफ्टी में डर लगता है, बैंक निफ्टी में डर लगता है, रिस्क पे आप वर्क करेंगे तभी तो बेटर रहेगा ना सर। तो सही है देखो। अच्छा, मैं एक बात पूछ सकता हूँ अगर आप मतलब मुझे बता पाएंगे? मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, मुझे गूगल में कुछ मिल नहीं रहा है, समझा पाएंगे? मुझे किसी ने पूछा था इसके बारे में और मैं जवाब नहीं दे पाया इसका। हाँ, बताइए क्या है? मुझसे किसी ने पूछा कि अगर मान लो 16,000 निफ्टी का, अगर 16,100 का कॉल अगर 400 रुपए में खरीदा है, 400 के करीब है, है ना, तो उसमें ब्रेक इवन क्या आएगा? मुझसे किसी ने पूछा, मैं बता नहीं पाया क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या जवाब दूंगा? शर्त लगा हुआ उसके साथ में 16,100 कॉल ऑप्शन गिरा 400 रुपए में, 400 रुपए में गिरा हुआ था तो नहीं, क्या गिरा हुआ था मैडम? मैंने कहा 16,100 का कॉल ऑप्शन को 400 रुपए में खरीदा, 400 रुपए में खरीदा हुआ है। हाँ, तो 16,100 का है ना, तो ब्रेक इवन कब आएगा? तो ब्रेक कब आएगा, ब्रेक इवन कब आएगा, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन पूछ रहे हैं आप? हाँ, ब्रेक इवन कब आएगा? उसने मुझसे पूछा तो मैं जवाब ही नहीं दे पाया उसका। तो ब्रेक इवन उसी टाइम पे आएगा ना सर, जैसे कि सडनली मार्केट आएगा। नहीं तो ब्रेक इवन होता क्या है, मुझे ये समझ नहीं आया उसने क्या पूछा मुझसे, ब्रेक इवन होता क्या है, ये क्या होता क्या है ब्रेक इवन? ब्रेक इवन सर ऐसा होता है जैसे कि आप मार्केट में पोजीशन लगा रहे हैं, है ना, तो मार्केट ये होता है कि जैसे कि आपने लिया हुआ था तो कितने प्राइस से लिया था, टारगेट आपका हुआ है नहीं हुआ, है ना, तो डाउन आ रहा है तो आप 400 में लिया ना, तो 100 का कॉल 400 में लिया, 400 लगा 100 का। हाँ, आपकी लैंग्वेज जी मैम। हाँ बोलिए। 16,100 का कॉल 400 रुपए में लिया तो उसने मुझे पूछा ब्रेक इवन कब आएगा, मैं जवाब ही नहीं दे पाया उसे, बोला मैं तुम्हें काम ही नहीं कराऊंगा, तुम्हें पता ही नहीं, क्या करूंगा बताइए, निकाल नहीं पाए थे आप, हमें पता ही नहीं कैसे कब आएगा, कब निकलना, तो प्रॉफिट कब होना चालू थी इसमें? ओके, तो प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ आपके लिए बताइए पहले। नहीं ना, मुझे सौदा ही समझ नहीं आया मैडम, उसने मुझे पूछ लिया, मैं उसका जवाब ही नहीं दे पाया, क्या सौदा करूँ, 16,100 भी बॉल पूछ ली उसने, 400 भी पूछ लिया, ब्रेक इवन कब आएगा उसने मुझसे पूछा, तो मालूम ही नहीं क्या करेगा। तो मैं आपको यही तो बता रही हूँ सर, जैसे कि आपने उसमें लिया हुआ था, है ना, तो आराम से यही होता है आपके लिए, जैसे बताया तो उन्होंने कितने प्राइस से दिया था एंड डाउन आ रहा है ना,
चाहिए आप उसको ये। तो क्या बोलूँ, इस बार फोन है तो क्या बोलूँ उसको, आपसे बात करा दूँ? करा दीजिए, कॉल करिए उनके लिए। यही करना पड़ेगा मैडम, मेरे को रोज दिमाग खाता है मेरा फोन करके, तेरे को पता लगा, पता लगा, गूगल भी कर लिया, गूगल में कुछ मिला ही नहीं मुझे अभी तक, बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान हुए थे। ऐसा कीजिए मेरी बात करवा दीजिए, मैं उनके कोई भी क्वेश्चन होगा पूरा सॉल्यूशन कर दूंगी। नहीं सही है मैडम, मैं इस बार उनका फोन आने दीजिए, मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेके बात कराऊंगा उनकी। हाँ जब भी कॉल आता है तो मेरा कॉन्फ्रेंस में आप कॉल कर दीजिए। उससे ये भी पूछा कहता बैंक निफ्टी में कितने शेयर होते हैं ये बता, मैंने कहा ये कौन सी बात है, बैंक निफ्टी में शेयर थोड़ी होते हैं, बैंक निफ्टी में शेयर होते हैं मैडम कोई? बैंक निफ्टी में शेयर नहीं होते सर। बताइए मुझसे कह रहा है बैंक निफ्टी में कितने शेयर होते हैं, मैंने बोला इसमें कोई शेयर ही नहीं होते हैं, बैंक निफ्टी तो अपने आप में बैंक निफ्टी होती है, कुछ शेयर होता है इसमें? नहीं बैंक निफ्टी में शेयर नहीं होते सर। पागल बना रहे हो, कह रहा कितने शेयर होते हैं बैंक निफ्टी में, मैंने कहा मुझे क्या मालूम, बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी होती है। अब ऐसे लोग ऐसे काम कराने बैठेंगे कैसे काम, डर लगता है मैडम लोगों से, अच्छे लोग नहीं मिलते काम कराने के लिए, आपको सच बताऊं? हाँ वो तो है वैसे, हाँ हाँ ऐसा तो होता है सर, है ना कि कोई पर्सन ऐसा होता है जैसे कि मेरे साथ एंटर नहीं हो रहे तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं, है ना, जैसे कि कोई क्वेश्चन ना भी हो तो उसी के लिए बना के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का आंसर ही ना हो वो बनाकर आपके सामने रख देते हैं। मैं आपका टाइम दे रहा हूँ, आपका टाइम दे रहा हूँ, आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा ना, प्लीज मैं समझना चाह रहा हूँ, देखो डर लगता है बाजार में लोगों पे भरोसा करना, मैं आपको आपका टाइम लिया, थोड़ा आपको परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं मैं कोई परेशान नहीं हूँ सर, प्रॉपर बात कर सकते हैं, बहुत अच्छा, वैसे बहुत कम लोग होते हैं इतना तो बात ही नहीं करते मैडम, इतना बात ही नहीं करते आपसे, क्यों डर लगता है क्या उनके लिए? नहीं नहीं हमें डर लगता है मैडम, कोई आजकल फ्रॉड बहुत हो जाते हैं ना, पता लगता नहीं कौन फ्रॉड कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अच्छा 10,000 के पैकेज के बाद कौन सा पैकेज है आपका जिसमें अच्छा अच्छा खासा पैसा बन सके? हाँ सॉरी क्या पूछ रहे हैं? जो आपने बताया ना 10,000 का पैकेज है आपका, है ना, 10,000 के अलावा कोई इससे भी अच्छा कोई पैकेज है जिसमें अच्छा पैसा बन सकता है? इससे अच्छा बेटर भी होता है, अवेलेबल सर्विस वगैरह होती है, आपकी प्रोफाइल पे एक्टिवेट होती है, है ना, आपके लिए प्रोफाइल पे एक्टिवेट होगी उसके बाद में बता पाऊंगा आपके लिए कितना प्रोफाइल पे एक्टिवेट होगी, है ना, आप कितना रिस्क ले सकते हैं मार्केट पे। मैं पूरा रिस्क ले सकता हूँ, मेरे को पैसा बनाना, पैसा छापना है मुझे, बस ये बताओ करना क्या पड़ेगा, मेरे को तो कोई एक्स्ट्रा एक्सपर्ट मिल जाए ना जो मेरे को बिल्कुल सलाह दिया, मेरे अकाउंट में काम कर ले, आप अकाउंट में ऑपरेट भी करते हो किसी और अकाउंट, आप मैनेज कर दो, आप बोलो मेरा अकाउंट मैनेज करने के लिए, मैनेज कर लो मेरा अकाउंट, मैनेज कर लेंगे आप, आप कर लोगे मैनेज अकाउंट, अगर मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड आपको दे दूँ तो आप मेरे अकाउंट में काम कर लेंगे? प्रॉपर मैं कर लूंगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे यूजर आईडी आप भेजिए, आपका आईडी एंड पासवर्ड भेजिए, मैं प्रॉपर आपके लिए कर दूंगी सर, आपका डिमिट हैंडल पोर्टफोलियो पर कर लूंगी, इसमें जो भी प्रॉपर जी बोलिए। नहीं नहीं मैम मजा आ गया बात सुन के, हाँ जी कितना उसमें फीस कितना लगेगा मैम? फीस आप जितना भी देना चाहें सर, शादी सेकंड का 1100 रुपये दे दीजिए, काम कर लेगा आपकी फीस होगी वो 11। मैं आपको बता देती हूँ सर, आपकी चीजें है ना, जैसे कि आप मेरे साथ पोर्टफोलियो करवाते हैं, है ना, तो आपके लिए 15,000 लगते हैं, 1500-1500, है ना, एंड आपके पूरे चार्जेस रहेंगे जी पोर्टफोलियो के साथ में भी, एंड आपको प्रॉफिट भी, उसके बाद आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, है ना, इसी में आपके लिए वर्क होगा, एंड आप पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहते हैं तो प्रॉपर मेरे साथ वन डे का, है ना, आप प्रॉपर मेरे साथ वर्क स्टार्ट कीजिए, आपके लिए प्रॉफिट निकल रहा है, है ना, आपके लिए खुद का चल डेवलप हो रहा है, आप बोलेंगे हाँ मैम आप मुझे प्रॉफिट निकाल रही है, एंड आप मुझको सुचे मार्केट में सिखा रही है, है ना, तो आप मुझे डिमिट भी हैंडल करने दे सकते हैं, आपके लिए ट्रस्ट भी हो जाएगा, ये मुझे प्रॉफिट निकाल के दे रही है। डिमिट क्या हैंडल करना है ये समझानी है क्या होगा? ये सर डिमिट आप जिसने ब्रोकेज में आप डीमेट ओपन किए हुए हैं वो डीमेट होता है। अच्छा अच्छा डीमेट, हाँ 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 ठीक है ठीक है, जी 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 वही होता है, उसमें आप पोर्टफोलियो मुझसे करवाएंगे मैनेज करवाएंगे, है ना, जैसे कि मैं आपकी केस लगाऊंगी, आप बिजी वगैरह रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं, है ना, तो आपके लिए टाइम टेबल पर आ रहा है, जैसे कि सर अगले मोमेंट आया बेटर मोमेंट आया, है ना, जैसे आपके लिए बाय करना है, टाइम की टाइम से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो आराम से आप, हाँ जी जी ये बात जी जी, आपके पास काम है तो आराम से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ये और आपको होना चाहिए कि मार्केट में कब आपको एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, है ना। मेरे कम से कम 10 दोस्त हैं जो शेयर बाजार में काम करते हैं, किसी के पास भी टाइम नहीं है, 10 दोस्त आपके पास, हाँ
इतना अच्छा पैसा लगाया उन्होंने, बहुत बढ़िया पैसा लगा रखा है उन्होंने, और किसी के पास ना अपना पोर्टफोलियो हैंडल करने का टाइम ही नहीं है। ओके, जैसे कि चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर लूंगी, है ना। आप मुझे आईडिया एंड पासवर्ड दीजिए तो मैं आपका मंडे से प्रॉपर बाइक के स्टार्ट कर दे रही हूँ। एंड आप जैसे कि अभी पिक कर सकते हैं आपकी, मैं प्रोफाइल बना के एक्टिवेट करके, है ना, आरपीएम बना के मैं आपका प्रोफाइल वगैरह बना देती हूँ सर, आपका मंडे से प्रॉपर काम स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया मैडम, इसके टोटल फीस क्या लगेगी मेरी, और इसमें शेयरिंग क्या करेंगे आप, मुझे कितना पैसा कमा के दोगे? जैसे कि मैं आपसे टोटल है कि जितना आपका कैपिटल है, कैपिटल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता पाऊंगी। जैसे कि कैपिटल अभी कितना है सर? 50 लाख। हाँ, 50 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, आराम से आपके लिए 10 से 20 हजार तक का मंथ में प्रॉफिट निकल आएगा। 10 से 20 लाख तक मैडम, 50 लाख रुपए लगा के महीने में 20 हजार रुपए कमा के दोगे आप मेरे को? देखिए, आपके 50 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए 10 लाख या 15 लाख तक आराम से इतना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। 15 लाख कमा लीजिए, कमा रहे हैं यार, बहुत बढ़िया है। अगर लॉस हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं होंगी सर जिम्मेदार। आप कितने साल से इस बाजार में मैडम? मैं कितने साल गुजारूंगी, मैं आपके लिए इन्फॉर्म कर दूँ पहले, मेरे साथ आप बस करना चाहेंगे, है ना, तो प्रॉफिट के चांस, आपके लॉस के चांसेस ना मार्केट के रहेंगे, प्रॉफिट के चांसेस रहेंगे आपके लिए। क्योंकि बाजार है मैडम, बाजार में घाटा तो हो ही जाता है ना। हाँ, बाजार में घाटा हो जाता है तो आपके लिए ज्यादा नहीं, ओनली आपके लिए 1000 से 2000 तक लॉस होगा सर, है ना। जैसे कि मान लीजिए बेटर मार्केट नहीं है, सडनली मूवमेंट है मार्केट में, है ना, मैंने आपकी पोजिशन लगाई एंड वो डाउन आ रही है ना, कोई चांसेस नहीं है जाने की उसके, तो एवरेजिंग करके उसमें से आपको एल्टीम में प्रॉफिट में निकलवा देते हैं, एंड अदर आपके लिए 500 हजार में ही एडजस्ट कर देते हैं। ऑप्शन में काम कराओगे ना? मैं ऑप्शन में कराओगे ना? ऑप्शन में करवाएंगे जी, ऑप्शन में बैंक। मेरे को ना एक ऑप्शन में काम करना है प्लीज, मेरे को एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी किसी ने मुझे बोली है, बटरफ्लाई में काम करना है। बटरफ्लाई कैसे बनती है, ये क्या होती है? बटरफ्लाई ये क्या होता है? बटरफ्लाई ये क्या होता है सर? मैं आपको सोचती हूँ, ये तो मैंने ट्रेडिंग में सुनी ही नहीं कि बटरफ्लाई भी होता है। पता नहीं, मेरे को कह रहा था बटरफ्लाई में काम करेंगे, कॉन्डोर में काम करेंगे, कॉन्डोर क्या होता है ये समझ नहीं आया मुझे। नहीं सर, देखिए कमोडिटी होता है, इक्विटी होता है ना, एंड आपको होल्डिंग बेसिस वर्क करे तो होल्डिंग भी होता है ना, आप देख जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है, कह रहा था ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। मुझे उसने 2-3 बातें और बोली, मुझे कहता कि बाजार में अगर लॉन्ग बिल्डअप होगा, शॉर्ट बिल्डअप होगा, तो ये सब क्या होता है? लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ये सब क्या होता है? समझ नहीं आया मेरे को, तुमने क्या बोल रहा था, ये सब क्या होता है मैडम? लॉर्ड बिंगर, लॉर्ड सिंगर को पूछ रहा था मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, हाँ लॉन्ग बिल्डर नहीं मैडम, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है? क्या पता सर क्या पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन तो मार्केट में होते ही नहीं। आप कितने साल से बाजार में मैडम? मैडम आप कितने साल से बाजार में हो? सर 26 साल की हूँ। आप बाजार में कितने साल से हो? मैं बाजार में आराम से मुझे 3 ईयर हो गए सर, 3 साल। स्टॉक मार्केट में मतलब है, 3 साल से हो गया ना? जी जी। मैडम मैं बाजार में 20 साल से हूँ। 20 साल से है सर? ठीक है, आपकी उम्र 26 साल है और मैं बाजार में 20 साल से बाजार में काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रही हूँ, आप 20 साल में। अब सुनिए, अब ध्यान से सुनिए मैडम, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ, आप थोड़ी अपनी नॉलेज बढ़ा लीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बटरफ्लाई नहीं पता, आपको कॉन्डोर नहीं पता, आपको बिल्डअप नहीं पता, आपको ब्रेक इवन नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, आप कैसे काम कराओगे किसी को? आप मेरे साथ वर्क करके देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। हाँ, तो इतनी देर से क्या कर रहा था? इतनी देर से यही तो कर रहा था, आपका वर्क तो कर रहा था, आपको टेस्ट तो कर रहा था कि आपको क्या आता क्या नहीं आता, कुछ भी नहीं आता आपको, तो इतनी देर से मैं क्या कर रहा था? यही तो कर रहा था आपके साथ में। सॉरी, इतनी देर से और मैं क्या कर रहा था? यही तो पता कर रहा था कि आप मेरा पोर्टफोलियो हैंडल करने के लायक भी हो कि नहीं हो, और मैंने क्या पूछा इतनी देर से आपसे? जो सवाल किए मैंने वो तो बेसिक सवाल है स्टॉक मार्केट के, आपको वही नहीं मालूम है, आप कैसे काम कराओगे आप किसी को? और आप एंजल वन से भी बात नहीं कर रहे हो मैडम, आप मध्य प्रदेश से इंदौर विंदौर से कहीं से टिप प्रोवाइडिंग कंपनी से बात कर रहे हो, एंजल वन वाले ऐसे बात नहीं करते।
कैसे बात करते हैं? मैडम आप जैसे बात करते वैसे नहीं करते, और एंजल बनने वाले कैसे इतनी तो बातें नहीं करते जैसे आप बात कर रहे हैं। आपको आपको हाँ बताइए बताइए नहीं आप कुछ कहना चाह रहे थे प्लीज? मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी जैसे कि आपके लिए कंपनी यहाँ से प्रॉब्लम में आपके लिए कर सकती हूँ, एंड आपको विश्वास नहीं है तो मेरा बस वगैरह भी चेक कर सकते हैं, है ना? मैंने आपसे क्या कहा, समझो एक बात को, आपकी जितनी उम्र है उतना तो मेरा एक्सपीरियंस है बाजार में। मैंने आपसे खाली चार सवाल किए हैं, चार में से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया आपने ठीक से। आप मजाक कर रहे हो, आप लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो। आपको खाली कि आपके बॉस ने बोल दिया कि लोगों को पागल बनाओ, उनका पैसा लूटो, बस ये आप कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो इसके अलावा। आपको कहाँ बाजार आता है, आपको कुछ भी नहीं आता। आपको फ्यूचर मैंने आपसे पूछा 16,100 की कॉल 400 मिली है, ब्रेक इवन कहाँ आएगा? बोले ब्रेक इवन क्या होता है, मुझसे पूछ रहे हो ब्रेक इवन क्या होता है। आप कैसे काम कराओगे ऑप्शन में? और आप बोल रहे हो 10 लाख का प्रॉफिट करा के 1,000 का नुकसान कर दोगे, आप कर सकते हो? 3 साल से बाजार, 3 साल से भी बाजार में नहीं हो, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, गारंटी है मेरी आपकी। आप 3 साल से भी नहीं हो, दोस्तों मजा आया जब मैंने उनसे पूछा कि बटरफ्लाई क्या होती है, तो उन्होंने कहा बटरफ्लाई क्या होती है। जब मैंने बोला कॉन्डोर क्या होता है, तो उनको ये मालूम ही नहीं कॉन्डोर होता क्या। लॉन्ग बिल्डअप को स्पेल आउट नहीं कर पा रहे थे, वो ब्रेक ही उनको स्पेल आउट नहीं कर पा रहे थे। और आई मीन मुझे बड़ी हंसी आती है, बड़ा अफसोस होता है कि हम हिंदुस्तान में रहकर अपने हिंदुस्तानी लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी ऐसे स्कैम का हिस्सा ना बने। अपने सभी दोस्तों को जो भी स्टॉक मार्केट में नए आए हैं, आना चाहते हैं, एस्पायरिंग हैं, ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको सबसे पहले ऐसे फ्रॉड के बारे में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में वायरल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए, ताकि समझ में आए कि ऐसे भी फ्रॉड हो सकते हैं। इन फ्रॉड से बचने का तरीका मैंने इस वीडियो में दिया है आपको, जैसे मैंने बात की है आप भी बात कर सकते हैं, बट ये सब संभव है जब आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा सीख लेंगे। सीखिए, चाहे गूगल से सीखिए, चाहे किसी क्लासेस में जाकर सीखिए, चाहे बुक से सीखिए, पर सीखिए। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आई कैन बेट यू कोई आपको बिल्कुल भी चीट नहीं कर सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को हिट रखें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशन अपडेट्स आपको सबसे पहले टाइम पे मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलेगा, क्योंकि वहां भी सभी अपडेट्स सबसे पहले वहीं पे पोस्ट होती है। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।